नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। अधिकारियों की लापरवाही से शासकीय भूमि में अतिक्रमण को कानूनी मान्यता मिली है। बता दें कि शहर के मध्य स्थित यूनियन बैंक के बगल में लगी बाणसागर तलैया की 1.25 एकड़ सरकारी जमीन का पट्टा हासिल करने के बाद अब उस जमीन के बाकी बचे हिस्से पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ कलेक्टर के आदेश के बाद भी लोक निर्माण विभाग के एसडीओ हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर अपील करने नहीं गए हैं। पिछले 2 दिनों से उक्त जमीन को समतल करने का काम शुरू कर दिया गया है। तकरीबन 10 करोड़ की कीमत की यह जमीन लोक निर्माण विभाग की लापरवाही और तत्कालीन एसडीएम रीवा द्वारा शासन का पक्ष मजबूती से नहीं रखने के कारण अधूरी पैरवी के चलते निजी पट्टे में चली गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बाणसागर तलैया प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। प्रशासन द्वारा कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखे जाने के कारण फैसला अतिक्रमणकारी के पक्ष में हो गया है। सरकारी जमीन खसरे में निजी विश्वनाथ सिंह के नाम दर्ज हो गई है। इस मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा भारी लापरवाही बरती गई है। तहसीलदार द्वारा लोक निर्माण विभाग को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन अधिकारियों ने इस मामले में लापरवाही बरतते हुए जमीन को बचाने के लिए कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसी वजह से कोर्ट द्वारा मामले में एक तरफा फैसला किया गया और जमीन विश्वनाथ सिंह के नाम दर्ज करने का आदेश दे दिया गया। उक्त जमीन पर विश्वनाथ सिंह द्वारा पहले तो घर बनाकर अतिक्रमण किया गया, इसके बाद उक्त जमीन को हथियाने के लिए उनके द्वारा प्रकरण कोर्ट में ले जाया गया, जहां उन्हें तहसील से रेवेन्यू कोर्ट तक लगातार हार का सामना करना पड़ा। किसी भी अदालत द्वारा उक्त अतिक्रमणकारी को कोई राहत प्रदान नहीं की गई। शहर के पटवारी हल्का सामान अंतर्गत आरजी क्रमांक 631/1 में दर्ज सरकारी भूमि को अपने नाम करने के लिए रेवेन्यू कोर्ट में असफल होने के बाद उनके द्वारा मामला हाई कोर्ट ले जाया गया, जहां हाई कोर्ट द्वारा तत्कालीन एसडीएम को ओआईसी बनाया गया। उस समय रीवा के एसडीएम लल्लू लाल यादव थे, जिनके द्वारा कोर्ट में शासन का पक्ष मजबूती के साथ नहीं रखा गया, जिसका परिणाम यह रहा कि कोर्ट द्वारा सन 2022 में फैसला विश्वनाथ सिंह के हक में कर दिया गया। प्रशासन की आंखें तब खुली जब विश्वनाथ सिंह द्वारा उक्त जमीन को अपने नाम करने का आवेदन दिया गया। कोर्ट के आदेश के कारण सरकारी जमीन का बटांक नंबर डालते हुए खसरा क्रमांक 631/2 विश्वनाथ सिंह के नाम 1.25 एकड़ रकबा दर्ज कर दिया गया। इस मामले के सामने आने के बाद कलेक्टर प्रतिभा पाल द्वारा उक्त जमीन को पुनः प्राप्त करने के लिए हाईकोर्ट में अपील तैयार करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए गए, लेकिन अभी हाईकोर्ट में अपील दायर नहीं की जा सकी है। लिहाजा अब उक्त जमीन को पाट कर समतल किया जा रहा है। वर्तमान में इस जमीन का बाजार मूल्य लगभग 10 करोड़ रुपए है और यह जमीन बाणसागर कॉलोनी में रोड के किनारे बाणसागर कार्यालय के पीछे स्थित है। इस जमीन को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा भी आक्रोश जताया जा रहा है। सरकारी जमीन होने के कारण अभी तक यह अन्य लोगों के भी निस्तार के काम आती थी, लेकिन अब यह जमीन पर अन्य लोगों को भी निस्तार करने से रोका जाने लगा है। नगर निगम रीवा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 26 में एक आराजी है जो मध्य प्रदेश शासन बाणसागर के अभिलेख में पुराने सनातन पुरातन से दर्ज थी। उसमें बाणसागर का अधिपत्य कब्जा भी था, परंतु इस भूमिया पड़ी थी मध्य प्रदेश शासन के अभिलेख रिकॉर्ड में थी, परंतु कुछ लोगों ने कूट रचित दस्तावेज बना के या कुछ पटवारी या राजस्व अधिकारियों से साठ गांठ करके उससे छोटी तलैया के रूप में चर्चित भूमि थी, जो पानी कई क्षेत्रों का जाके संग्रहित होता था, जिसको हम तलैया के रूप में जानते और पहचानते थे, वहां पानी संग्रह होता था। इसी बीच में वर्तमान में वो कई करोड़ों की भूमि है, जहां पर भूमाफियों की नजर थी। भूमाफियों ने उसको देखा और वहां के वार्ड के पार्षद को भी संज्ञान है, कई पूर्व पार्षद उसमें उनको जानकारी भी है। उस भूमि को निजी भूमि स्वामियों ने अपने नाम किसी कतिपय कारण करा ली है और उस भूमि को अपने नाम करा के उस जमीन में प्लाटिंग कर रहे हैं। पहली बात तो यदि निजी भूमि है तो वार्ड क्रमांक 26 के अंतर्गत नगर निगम के अंतर्गत बिना TNCP बिना रेरा बिना डायवर्सन के कोई भी जमीन विक्रय करने का राइट्स नहीं है। इस बात को देखने का अधिकार नगर निगम के माननीय महापौर को है, माननीय आयुक्त महोदय को है और नगर निगम के आला अधिकारियों को है कि बिना TNCP के यदि जमीन विक्रय की जा रही है, सेल आउट हो रही है, तो उसका डायवर्सन है कि नहीं, ये नगर निगम को देखना है। दूसरी बात, यदि मध्य प्रदेश शासन की भूमि है, ये चर्चा का विषय है और इस संदर्भ में बाणसागर के अभिलेख में कभी दर्ज रही है या कि मध्य प्रदेश शासन अभिलेख में दर्ज रही, तो निश्चित तौर से राजस्व अधिकारियों को अनुभाग अधिकारियों को राजस्व लैंड ऑफिसर को उस भूमि को देखनी चाहिए कि ये जो भूमि है ये भूमि हमारे रिकॉर्ड में है या कभी थी,
यदि थी तो इस संदर्भ में उस जमीन का प्रति परीक्षण करा के और इसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय में या संबंधित जिला प्रशासन जिला न्यायालय में या सिविल न्यायालय में फोरम में दायर करने का अधिकार जिला प्रशासन को भी है, तहसीलदार को भी है। इसलिए कि समस्त मध्य प्रदेश शासन की जो कस्टोडियन अधिकारी कलेक्टर होते हैं भूमि के और विहाप में एसडीएम तहसीलदार उनके काम करते हैं, तो इस संदर्भ में इनकी जांच परीक्षण करनी चाहिए और बड़ी तत्परता के साथ शासन स्तर की भूमि को बचाने का काम करना चाहिए। यदि जिला प्रशासन के अधिकारी इन भूमियों को बचाने का काम नहीं कर रहे तो निश्चित तौर से इनकी भूमिका संदिग्ध है और जिला प्रशासन राजस्व अधिकारी और तहसीलदार यदि इस भूमि को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं जो वास्तव में मध्य प्रदेश शासन ने कतिपय कभी भूमि मान लीजिए टूटी बस निजी भूमि में दर्ज हो गई या कि कोई चढ़वा लिया, हो सकता है कई बार आप देखे होंगे कि निजी भूमियां मध्य प्रदेश शासन के अभिलेख में दर्ज हो जाती है तो माननीय अनुभाग अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ खसरा सुधार के आवेदन लगते हैं, उसके प्रकरण चलते हैं। इसी प्रकार राजस्व की भूमियों को बहुत सारे लोगों ने अपने नाम भी दर्ज करा लिया है कब्जे के आधार में, पटवारियों से साठगांठ करके या राजस्व अधिकारियों से मिलके या किन्हीं त्रुटि किन्हीं कारणवश ये, परंतु इस भूमि को बचाने के लिए एसडीएम को और माने तहसीलदार महोदय को संबंधित जिला प्रशासन को आपके माध्यम से लगातार प्रकाशन भी हो रहा, मीडिया में ये मामला प्रकाशित हो रहा, तो ऐसे विषय को गंभीरता से लेके राजस्व अधिकारियों की इसकी परीक्षण करना चाहिए और बंदोबस्त रिकॉर्ड ऑफ राइट्स व जो भी अभिलेख हो पूर्व के अभिलेखों का परीक्षण करके और इसकी जांच करा के संबंधित भूमि के संदर्भ में कार्रवाई करनी चाहिए और दोषी व्यक्तियों पर जो उन्होंने आधिपत्य कब्जा कर रहे हैं तब तक विक्रय स्टे कर देना चाहिए, रोक लगा देनी चाहिए जब तक वो अराजी पर निराकरण वैधानिक रूप से नहीं हो जाता कि आखिर भूमि किसकी है इसके अधिपत्य में है, तब तक वो जमीन विक्रय नहीं होनी चाहिए और नगर निगम प्रशासन को बिना टीएनसीपी बिना रेरा के विक्रय पर रोक लगानी चाहिए। इसी तौर से आप बता भी रहे हैं ये मामला चर्चित है कि बाणसागर अधिकारी इस मामले में शांत क्यों है, यदि बाणसागर की भूमि है या कि मध्य प्रदेश शासन की अराजी है तो दोनों अधिकारियों को शासन की ही भूमि है, चाहे वो बाणसागर की हो चाहे वो तहसील राजस्व की हो, तो भूमि तो मध्य प्रदेश शासन की है ना, दोनों विभाग तो शासन के अंग में है तो भूमि को बचाने का काम दोनों विभागों को करना ही चाहिए। यदि नहीं कर रहे हैं तो इसके भी एक बड़ा गंभीर विषय जांच का विषय, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो भूमि पर अरुचि कर रहे हैं यानी रुचि नहीं ले रहे हैं अपनी जमीन को बचाने का और भूमाफियों को या संबंधित निजी भूमियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों पर भी जांच होनी चाहिए।